फियर फाइल्स के इस नए दहशत भरे एपिसोड में आज आप देखेंगे 1970 के दशक की एक ऐसी खौफनाक कहानी। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो गायक बनने की चाहत में आती है मुंबई। जनाब आप मुस्कुराइए, आप मुंबई में हैं। 70 के दशक में मुंबई में जहां एक गाने की वजह से था दहशत भरा माहौल, क्या होगा सिमरन के साथ जब वो इस बात से अनजान कर बैठती है एक जानलेवा भूल। क्या हो रहा है मेरे साथ, सुबह से बार बार यही गाना। पचास साल पहले की बात है जब मैं चंडीगढ़ से मुंबई आई थी सिंगर बनने की उम्मीद में। मुंबई का तो सबनों मालूम है, हर कोई यहाँ कुछ ना कुछ बनने का सपना लेके आते हैं। मैं भी लता जी के जैसे सिंगर बनने का सपना लेके आई थी। मुंबई आए हुए मुझे कुछ ही दिन हुए थे कि एक अजीब सी बात सुनने को मिली। एक LP जिसका गाना जिसने भी सुना उसकी मौत हो गई। कोई नहीं जान पा रहा था कि उसकी असली वजह क्या है। बस जिसने भी उस LP को सुना वो नहीं बच पाया। किसी को भी पता नहीं चल रहा था कि वो LP आया कहाँ से, कौन लाया या किस सिंगर की आवाज़ उसमें है और फिर वो कहाँ गायब हो जाती है। हैरानी की बात ये थी, ज़्यादातर मरने वाले लोग वो थे जो नए नए इंडस्ट्री में आए थे। वैसे तो बचपन से ही मैं इन बातों में विश्वास नहीं किया करती थी, मगर इस घटना ने मेरी सोच को पूरी तरह से बदल दिया। इतनी सुबह सुबह कौन होगा? सुबह सुबह किसने घंटी बजाई है? कोई भी तो नहीं है। उसने सोचा कि मैं यहाँ चुपके से छोड़ के चली जाएगी, सिमरन को पता भी नहीं चलेगा। उसे लगता है कि उसके इस हरकत से मैं डर जाऊंगी, कि सिमरन से तो भूत भी डर के भाग जाते हैं। चलो देखते हैं दीपा ने क्या नया भेजा है। Oh.
संगीत निर्देशक सोहन मोहन को अपनी अगली फिल्म के लिए नई गायिका की तलाश। लगता है आज का दिन बहुत अच्छा है। ये गाना कैसे चला? मैंने तो जी प्लीज, आज बस गाने का एक चांस मिल जाए। लग जा गले कि फिर ये हसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। ये साया रात का मैम, प्लीज आप एक गाना बंद करने के लिए बोलेंगे? गाना? कौन सा गाना? इधर तो कोई गाना नहीं चल रहा है। थैंक गॉड, गाना तो अपने आप ही बंद हो गया। लग जा गले के फिर ये साया रात का बदले हालात का, तेरा अंजाम क्या होगा है डर इस बात का। क्या हुआ तेरे को? क्यों इतनी उछल रही है? कुछ नहीं। इधर तो कोई गाना नहीं चल रहा है। लगता है सिंगर बनने के चाहत में इसका भेजा फिर गया है। उनको आवाज नहीं आ रही है और मुझे गाने की आवाज सुनाई दे रही है। कैसे हो सकता है? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? सोहन मोहन जी से मिलने का कितना अच्छा मौका था आज,
मैडम जी आपको क्रिकेट कमेंट्री सुनना पसंद है? नहीं है, कोई बात नहीं, हम आपको सुना देते हैं। भारत इंग्लैंड के दौरे पे गया और पहली बार हम हिंदुस्तानियों ने उन अंग्रेजों का घर में घुस के मट्टी चटा दी। एक सुनने से ये श्रृंखला जीती हमने। मैडम जी आपने सुनील गावस्कर की बैटिंग देखी है? यही अपना बॉम्बे का ही है, मुझे तो इतना विश्वास है इस पर, एक दिन जरूर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा। ये साया रात का बदले हालात का, तेरा अंजाम क्या होगा, ये डर से बात का। अरे मैडम सब ठीक तो है ना? अरे मैडम, ओ मैडम, अरे मेरे पैसे तो दे दो। अजीब लड़की थी यार, पैसे खा गई मेरे। क्या हो रहा है मेरे साथ? सुबह से बार बार यही गाना, पागल हो जाऊंगी मैं। ये साया रात का बदले हालात का, तेरा अंजाम क्या होगा, है डर से बात का। ये साया रात का सिमरन, तू पागल है क्या? हाँ, तुझे वो डरावने गाने वाला किस्सा तो पता है ना, और फिर भी तूने एलपी रख ली। मुझे लगा तूने दी होगी यार। अरे लेकिन अगर मुझे देनी होती हाँ तो मैं तेरे दरवाजे पे इस तरीके से छोड़ के थोड़ी ना जाती। तो कौन सा काम सीधे तरीके से करती है? मुझे लगा तेरा कोई नया मजाक होगा। मजाक? सीरियसली? अच्छा अभी कहाँ है वो एलपी? फेंक दी है मैंने। थैंक गॉड। अच्छा छोड़ ये सब, तू बस अपने ऑडिशन पे ध्यान दे। और तुझे याद है ना कल की हमारी टिकट्स बुक है आराधना फिल्म की? ओहो तू भी ना, वहां राजेश खन्ना जी कह रहे हैं मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, और यहाँ देखो इस रानी की दोस्त ऐसे उदास बैठी है। जनाब आप मुस्कुराइए, आप बंबई में हैं। लग जा गले कि फिर ये हसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले कि फिर कोई नहीं है। दरवाजा किसने खटखटाया?
की आवाज तो इस शीशे से आ रही है। सॉरी मैडम, ऑडिशन कैंसिल हो गए। इतनी बारिश में आपके अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं आया, इसलिए आप भी कल आइएगा। अच्छा मौका था। हम श्योर अगर ऑडिशन होता तो कुछ जरूर अच्छा होता। कोई भी मेरी बात का विश्वास करने को तैयार नहीं था, सिवाय के मेरे सबसे अच्छी दोस्त दीपा के। अब तक तो मुझे सिर्फ गाना सुनाई देता था, पर उस दिन तो मैंने उसे देखा और मैं बहुत डर गई। अगले दिन मुझे इंडस्ट्री के जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर से दोबारा मिलने का मौका मिला। ऐसा मौका फिर मिले या ना मिले, इसलिए मैं सारी पुरानी बात भूल कर अपने रियाज में लग गई। तेरे बस की बात नहीं है, चल चल निकल यहाँ से। वैसे भी तेरा कुछ नहीं होने वाला, चलो निकलो। एक मिनट, आप होते कौन हो मुझे ये बताने वाले कि मुझे गाना आता है या नहीं? आप रिसेप्शनिस्ट हो ना कि संगीतकार। सिमरन मैडम, सैम ने आपको बुलाया है। लग जा गले फिर ये हसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। वाह क्या आवाज है भुवन, मैं कह रहा हूँ आग लगा देगी आग। हमें हमारी अगली फिल्म के लिए ऐसी ही सुरीली आवाज की तलाश थी जो किशोर दा के साथ गा सके। Oh my God, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं आपकी आवाज बनने वाली हूँ, वो भी किशोर दा के साथ। Oh my God, thank you so much मुझ पे विश्वास करने के लिए, thank you so much। मोहन, इस लड़की को तो मैं देखते ही जान गया था कि इसमें कुछ तो खास बात है। सही कहा सोहन, कला को छिपाना कलाकार के बस की बात नहीं होती। क्या गाया इन्होंने, आहा। थैंक यू सचमुच। अच्छा मोहन एक बात सुन, ये साया रात
क्या हुआ सिमरन? सब ठीक तो है? क्या हुआ, घबरा क्यों रही हो? प्लीज मुझे बचा लीजिए सर, वो मुझे मार देगी। प्लीज मुझे बचा लीजिए सर, मुझे मार देगी। क्या हुआ, कौन मार देगी? सर वो देखिए, प्लीज 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 मुझे बचा लीजिए। अरे कोई भी तो नहीं है वहां पर, कौन है ये? कैसी पगली लड़की से पाला पड़ गया हमारा? बंटे कम या सर, इसको लेकर जाओ। सिंगर बनना चाहती हो, पहले अपने दिमाग का इलाज करवाओ तुम। सर मेरी कोई गलती नहीं है सर, मैं पागल हूँ सर। सर वो मुझे मार देगी सर। सर प्लीज मुझसे मेरा मौका मत छीनिए सर। सर सॉरी सर। अरे तू खड़ा खड़ा देख क्या रहा है मुझे? लेके जा इसको। सर सर मैं पागल नहीं हूँ सर, एक बार सर मेरा विश्वास कीजिए सर। सर मैं पागल नहीं हूँ सर, मेरा विश्वास कीजिए, मैं पागल नहीं हूँ। तो कितने लोग आते, चल बाहर चल। मैम प्लीज आप एक गाना बंद करने के लिए बोलेंगे? गाना? कौन सा गाना? इधर तो कोई गाना नहीं चल रहा है। तुझे वो डरावने गाने वाला किस्सा तो पता है ना, और फिर भी तूने एलपी रख ली। तो देखिए प्लीज 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 मुझे बचा लीजिए। अरे कोई भी तो नहीं है वहां पर, कौन है? यहाँ पर कैसे? इसे तो मैंने बाहर फेंक दी थी, फिर वापस कैसे आ गई? गाने का संगीत दिया है मशहूर संगीतकार मोहन सोहन जी ने। मोहन जी, सोहन जी, जैसा तू बता रही है उसे ये लग रहा है उस एलपी का कुछ तो कनेक्शन है सोहन मोहन जी से। तुझे ऐसा क्यों लग रहा है? उस दिन ऑडिशन वाले न्यूज़पेपर का उस एलपी पे आके गिरना, स्टूडियो में तेरे साथ जो कुछ हुआ, और कल रात को फिर से ऑडिशन वाले न्यूज़पेपर का तेरे चेहरे पे आना, रेडियो का अपने आप चालू होना और उसमें सोहन मोहन जी का नाम आना,
मुझे लग रहा है उनका कुछ तो लेना देना है उस गाने से। तू फिर से आ गई? मना क्या था ना मैं तेरे को? तू समझती क्यों नहीं है? मैम मैं इसके लिए आई। ये तेरे को कैसे मिला? ढूंढ रख। मैम आप कुछ इस एलपी के बारे में जानती हैं? मैं कुछ नहीं जानती, इसको मेरे से दूर रखो। मैम आप समझ नहीं रहे हैं, इस एलपी की वजह से सिमरन की जान खतरे में है। आपको इसकी सच्चाई बतानी होगी। मैं कुछ नहीं जानती इसके बारे में, हटो। मेरा मैम देखिए प्लीज झूठ मत बोलिए। देखिए जब से मुझे एलपी मिली है मेरे साथ बहुत कुछ अजीब हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है। प्लीज तोड़ दे। अगर तेरे को बचना है तो इसको तोड़ दे। बात तो सुनिए। मुझे पक्का पता ये कुछ ना कुछ जानती है इसके बारे में। वो क्या जानती है, हमें इससे मतलब नहीं है। उन्होंने कहा है अगर इस एलपी से बचना है तो इसे तोड़ दो। सिमरन मेरी बात मान, इसे तोड़ दे। सिमरन तू डर मत, सारी मुसीबत इस एलपी की वजह से है ना। ये टूट जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। दीपा वहां से आवाज आ रही है। जैसे तैसे करके मैं वो एलपी को तोड़ने में कामयाब हो गई, मगर इन सब में मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को खो दिया। पुलिस की जांच में दीपा की मौत का कारण हार्ट अटैक आया, मगर असली बात सिर्फ मैं जानती थी।
इस शौक से निकलने के लिए मैं अपने कार चंडीगढ़ वापस चली गई। कार जाने के बाद मैंने रियाज करना भी छोड़ दिया था, पर एक दिन माँ मुझे समझाने लगी। बेटा, मौका जाए तो जाए, लेकिन हमें हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। तुम अपना रियाज जारी रखो, मौका फिर मिल जाएगा। अब सो जाओ। चांदनी रातें हैं गुमसुम थोड़ी, रानी के हाथों में चांद की डोरी, निंदिया पग पग चलती आवे, रानी को गोद में लेके सुलावे। वापस चल जा मुंबई, नहीं तो तेरी माँ नहीं बचेगी। मार डालूंगी मैं उसे, मार डालूंगी। सिमरन, क्या हुआ बेटा? तुम उठ के क्यों बैठ गई और मुझे ऐसे क्यों देख रही है? अगर मैं यहाँ रुकी तो माँ की जान को खतरा है। अच्छा होगा मैं वापस बम्बई चली जाऊँ। ये जो कुछ भी हो रहा है इसका कनेक्शन सोहन मोहन जी और उनके स्टूडियो से जरूर है। क्या बकवास करी, कुछ भी बोली जा रही है? सब मेरा विश्वास कीजिए, मैं बिल्कुल विश्वास से कह सकती हूँ उस एलपी का जरूर कुछ कनेक्शन है आपके स्टूडियो के साथ, और वो जो आपके रिसेप्शनिस्ट है वो जरूर कुछ जानती है इसके बारे में। झूठी कहानी बनाकर हमारा नाम खराब करना चाहती है? गाना गवाने से मना कर दिया तो हमें बर्बाद करने पर आ गई। नहीं सर, मैं कोई कहानी नहीं बना रही हूँ। तुम इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। सर, मेरी बात सुनिए। तुम यहाँ से जा रही हो या नहीं, वरना मैं पुलिस को बुला दूंगा। सर, एक बार मेरी, तुम ऐसे नहीं मानोगी, मैं पुलिस को फोन करता हूँ। ठीक है सर, मैं जा रही हूँ। ओके, निकलो यहाँ से, अभी का भी निकलो, आना नहीं दोबारा। मगर ये कैसे हो सकता है? इतनी पूजा पाठ करवाई फिर कैसे? मेरी गलती थी वो। नहीं सोहन, तेरी गलती नहीं, ये मदन, सब इसके लिए। क्या कमाल की आवाज है, मजा आ गया, माइंड ब्लोइंग, सुपर्ब। अगली सुपरस्टार हो तुम, जलवा बिखेर देगी। मैं तो कह रहा हूँ आग लगा देगी, आग। थैंक यू सर, मेरी माँ ने अपना सारा पैसा इस गाने की रिकॉर्डिंग में ही लगा दिया। उनका मानना है कि सुनने वालों को मेरी आवाज जरूर पसंद आएगी। क्यों नहीं पसंद आएगी, जरूर पसंद आएगी। और हमें तुम ये
क्या कर रहे हो? अरे सुनो तो, जाने दीजिए प्लीज, जाने दीजिए। रिलैक्स। ये क्या कर रहे हो? उसे मारना नहीं चाहते थे। छोड़ूंगी नहीं आप लोगों को। तुम लोगों का घिनौना चेहरा मैं सबके सामने लाकर रहूंगी। बचोगे नहीं तुम लोग। ए लड़की देख, तेरे करियर का सवाल है, आगे बढ़ने के लिए थोड़े समझौते करने पड़ते हैं। छोड़िए मुझे, मैं आप लोगों को एक एक का चेहरा में लेकर आऊंगी। और हम कर भी क्या सकते थे, अगर ये बात बाहर आ जाती तो हमारा क्या होता? वो तो भला हो गुरुजी का, जिन्होंने मदन की मौत के बाद हमें ये माला दी, जिसने हमें उस आत्मा से बचाए रखा। और फिर जब गुरुजी के कहने पर हमने उस एलपी को खत्म करना चाहा, तो अचानक से वो एलपी गायब हो गई। बेवकूफ रिसेप्शनिस्ट एक एलपी तक नहीं संभाल सकी। तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। देखो देखो प्लीज मुझे मत मारो प्लीज। देखो 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 प्लीज मुझे मत मारो प्लीज। तू हाँ, तू क्या बोल रही है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस लड़की की आत्मा ने मुझे सब कुछ बता दिया कि आप दोनों ने उसके साथ छी। कौन लड़की, क्या बताया तुझे? वही लड़की जो आपको वो एलपी लेके रिकॉर्डिंग सुनाने आई थी, उषा। देख लड़की, जब तक ये माला हमारे पास है ना, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। मतलब उस आत्मा ने जो कहा था वो सब कुछ सच था। अब देखना, जब उसकी आत्मा मेरे शरीर में आ जाएगी तो एक आत्मा के साथ साथ एक इंसान की भी शक्ति होगी, पर उस टाइम आपकी ये माला कुछ काम नहीं आएगी। अब आप लोगों को अपनी जान बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, किसी भी तरीके से उस आत्मा को मुझ तक पहुंचने से रोकना। क्या करें? वो आ गई है। तुम्हें काम करो, हमारे साथ अंदर चलो, चलो, चलो। हमें मार डालेगी। नहीं सोन, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। देख ये बाबा जी की दी हुई माला है ना हमारे, हाँ ये हमें बचाएगी। हाँ सोन, देखिए वो मेरे शरीर का इस्तेमाल करना चाहती है। देखिए आप दोनों अपनी अपनी ये मालाएं मुझे दे दीजिए, हाँ हम तीनों की जानें बच जाएंगी। नहीं देखिए, अगर उसने मुझे अपने वश में कर लिया ना, तो ये
ये मालाएं किसी काम की नहीं होंगी, दे दीजिए ना जल्दी। ठीक है, मेरी ये माला ले लो। नहीं, मैं गुरुजी ने कहा था चाहे कुछ भी हो जाए अपनी माला किसी को मत देना। सोहन, जब गुरुजी ने कहा था तब हालात कुछ और थे। नहीं, ये रही माला, मुझे दे दीजिए। ये क्या किया तूने? सोहन, मैंने जो कुछ भी किया हम दोनों की भलाई के लिए किया है। सोहन, ये हंस क्यों रही है? तुम दोनों को पता है उषा की आत्मा मुझसे क्या चाहती थी? तुम दोनों की सच्चाई जानने के बाद तुमसे ये मालाएं निकलवा सकूं। तुम दोनों ने इसके साथ बहुत बुरा किया है और अब इसकी बारी है। हमसे गलती हो गई उषा। उषा माफ कर दो हमें, हमें माफ कर दो उषा। उषा माफ कर दो हमें। अपना पदला पूरा करने के बाद उषा की आत्मा मुझे कभी दोबारा नज़र नहीं आई और ना ही फिर वो गाना सुनाई दिया। उसके बाद मुझे कुछ फिल्मों में गाने का मौका भी मिला। आज मैं एक सिंगिंग स्कूल चलाती हूँ और बहुत खुश हूँ। कभी कभी मैं वो गाना भी गा लेती हूँ, मगर बिना किसी डर के।